नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों की कमर तोड़ दी है। हालांकि संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें वैक्सीनेशन पर फोकस कर रही हैं, क्योंकि यही कोरोना से निपटने के लिए सबसे उत्तम साधन है। वैज्ञानिकों की माने तो तीसरी लहर का खतरा अभी भी बरकरार है। आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जिसको हमने वोट दिया वो ऐसे स्थिति में लोगों के कितने काम आए, लोगों की किस तरह मदद की, क्या वो इस बुरे वक्त में सामने आए, लोगों के साथ खड़े रहे। इसी की हम पड़ताल करेंगे और दिखाएंगे क्या है जमीनी हकीकत हमारे इस खास कार्यक्रम नेताजी कहाँ है में। सुनो नेताजी कहाँ हैं। तो चलिए हमारे इस खास प्रोग्राम नेताजी कहाँ हैं में आज सबसे पहले बात करेंगे लखीमपुर खीरी की और जानेंगे कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इस महामारी के दौर में कितने एक्टिव हैं और जनता की किस तरह मदद की। इसी कड़ी में न्यूज वन इंडिया ने लखीमपुर खीरी के धोराहरा विधानसभा से बीजेपी विधायक बाला प्रसाद अवस्थी का रियालिटी चेक किया। न्यूज वन इंडिया विधायक के आवास पर पहुंचे, जहां विधायक जी तो नहीं मिले, लेकिन वहां मौजूद उनके गनर और एक कर्मचारी ने बताया कि विधायक जी का स्वास्थ्य सही नहीं है, वो इलाज के लिए दिल्ली गए हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया की खास पेशकश नेताजी कहाँ हैं। इस कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं लखीमपुर खीरी के विधानसभा धौरहरा के विधायक बाला प्रसाद अवस्थी जी के आवास पर, और यहाँ हम जानेंगे कि विधायक जी कोरोना काल में आम जनता के लिए किस तरह से मदद पहुँचाए हैं, ये हम जानने के लिए उनके आवास के पास हम पहुँचे हैं। और हम सीधा आपको दिखाएंगे, हम उनके प्रवेश द्वार पर ही अभी मौजूद हैं और यहाँ पर देखेंगे विधायक जी हैं या नहीं हैं। मौके पर हमको यहाँ पे विधायक कोई गेट पर तो नहीं दिख रहा है, और हम विधायक जी के जो गेट के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और एक दो लोग यहाँ पर आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। इनसे हम जानेंगे कि विधायक जी आखिर कहाँ हैं। भैया आप यहीं रहते हैं क्या? हैं, क्या नाम है आपका? अल्ताफ। यहीं पे रहते हैं विधायक जी के? कहाँ हैं विधायक जी? विधायक जी अभी दिल्ली गए हैं। दिल्ली गए हुए हैं? अच्छा, तो यहाँ पे जनता दरबार वगैरह लगाते हैं? जनता दरबार लगाते हैं, जन सुनवाई करते हैं? कब कब करते हैं? अभी तो इतना जानकारी नहीं, मतलब होती है, डेली होता है। अच्छा अच्छा, आपको जानकारी पूरी नहीं है। फिर एक व्यक्ति और यहाँ पर हैं, इनसे भी हम जानकारी चाहेंगे। भैया क्या नाम है आपका? विपिन सिंह। क्या हैं आप? गनर। अच्छा, गनर हैं। ये बताइए विधायक जी कहाँ हैं? विधायक जी दिल्ली गए, उनका स्वास्थ्य ना सही होने के कारण दिल्ली गए। अच्छा अच्छा, दिल्ली गए हुए हैं। अच्छा, यहाँ आपको जानकारी है कि जो आम पब्लिक है कोरोना काल में उस किस तरह से मदद कर रहे हैं? जो मदद हो रही है वो जो मदद जायज है वो हो रही है, वैक्सीन। चलिए, इनका कहना है कि जो मदद संभव है वो हो रही है, लेकिन हम जो है विधायक जी की सच्चाई जानने के लिए सीधे जनता के पास चलेंगे और जानेंगे कि इस कोरोना महामारी में विधायक जी ने आम जनता के लिए क्या कुछ किया है। नमस्कार, आप तो विधायक बाला प्रसाद अवस्थी तो नहीं मिले, लेकिन विधायक ने जो विकास किए हैं उसकी तस्वीर देखकर और जनता की बात सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। विधायक के विधानसभा क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव, करीब एक दर्जन गांव को जोड़ने वाली पुलिया कई सालों से टूटी पड़ी है। जनता ने बताया कि सैकड़ों बार विधायक जी से शिकायत की गई है, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी है। विधायक जी ने 5 किलो राशन के अलावा कोरोना काल में कोई सुविधा नहीं मुहैया कराई है। चुनाव जीतने के बाद क्षेत्रीय विधायक एक बार भी उनकी समस्या सुनने नहीं पहुंचे। सुनिए क्या कुछ कहना था। जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र में किस तरह से विकास किया है उसका रियलिटी चेक करने के लिए आज न्यूज वन इंडिया की टीम गांव में भ्रमण कर रही है कि आखिर बीते 4.5 सालों में विधायक जी ने अपने क्षेत्र में किस तरह का विकास कराया है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत
कफारा के मोहम्मदपुर गांव में। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये टूटी हुई पुलिया जो है ये करीब एक दर्जन गांव को जोड़ती है। ये पुलिया पिछले करीब 4-5 सालों से ध्वस्त पड़ी है। लगातार ग्रामीण जो है इसकी शिकायत संबंधित विभाग और उच्च अधिकारियों को भी किया है, जनप्रतिनिधियों को भी किया है और संबंधित जो विधायक हैं उनको भी इसकी सूचना दी गई है, लेकिन आज तक इस पुलिया का निर्माण नहीं हो पाया है। अब चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसी स्थिति में करीब एक दर्जन जो ग्रामीण हैं, एक दर्जन गांव के जो ग्रामीण हैं, वो किस तरह से यहां पर आवागमन करते होंगे। हमें देखकर यहां पर कुछ ग्रामीण इकट्ठा होने लगे, हम इनसे बात करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? विधायक जी कौन है आपके? बाला प्रसाद अवस्थी जी। अच्छा, कुछ विकास विकास किए हैं? विकास के नाम पर कुछ नहीं किया, कई बार जो है तहसील भी जाया गया, एडीएम साहब से कहा गया, आश्वासन दिया, कुछ भी नहीं हुआ। अवस्थी जी से भी कहा गया, विधायक जी से। अच्छा, भी जो है इस तरफ जो है नहीं ध्यान, कुछ नहीं हुआ। तो और भी हमारे साथ ग्रामीण है, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है वो लगातार शिकायत कर रहे हैं और उनकी जो बात है वो नहीं सुनी जा रही। क्या नाम है आपका? कमल साहब। विधायक कौन है आपके? श्री बाला प्रसाद अवस्थी। ये पुलिया की समस्या कब से है? ये करीब 6-7 साल से है। 6-7 साल से। क्या कहते हैं विधायक जी? समस्या सुनवाई तो कोई अभी तक नहीं है, नहीं हुई जी। तो कुल मिला के जो समस्या है वो बरकरार है जी? बरकरार है। देखिए ये बहुत बड़ी ग्रामीणों की समस्या है, तमाम ग्रामीण और भी हमारे हमें देखकर यहाँ काफी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। क्या समस्या है आपके? समस्या हमारा गांव का पुल टूटा हुआ है, ये पुलिया जो है टूटी पड़ी है, काफी दिन से टूटी पड़ी है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम यहाँ पास पड़ोस में मगरमच्छ रहते हैं इसमें। अच्छा, काफी घड़ियाल रहते हैं जिससे जो है बच्चे काफी सारा, कई सारे कुत्ते तो जानवर खा गए, वही मगरमच्छ खा गया है, बहुत दिक्कत आ रहा है यहाँ पे। तो ये इतनी बड़ी दिक्कत है, विधायक जी को नहीं अवगत कराया? अवगत कराया गया मतलब, लेकिन वहाँ से कोई सुनवाई नहीं की जा रही, नहीं की जा, कोई देखभाल नहीं हो जा रहा है। अच्छा अच्छा। अभी इस टाइम पिछले कोरोना के चलते बहुत दिक्कत हुआ है हम लोगों को, कैसे कैसे हम लोग झेले हैं हम लोग को पता है। अब क्या किया जा सकता है, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अच्छा, हमने एक दो बार मतलब ये ऑनलाइन जो है वो कंप्लेंट भी की है, लेकिन उस पर कुछ ऐसे करके आया कि जो है हमारे अधिकार में नहीं है, एसडीएम डीएम साहब आप कुछ जो भी करना हो आप कर सकते हैं। कुछ नहीं किया जी? नहीं। अच्छा, ये पुलिया की समस्या कब से है आप लोगों को? ये 6-7 साल से। 6-7 साल से इसकी शिकायत उकायत किए हैं कहीं? हाँ, पर सब कहीं हुई। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं। तो कैसे आप लोग निकलते हैं, इतनी जो है यहाँ पूरी ध्वस्त हो गई है पुलिया और यहाँ पे जो है पानी जब जलभराव हो जाता है कैसे निकलते हैं? ऐसे ही निकला जाता है, पैदल निकला जाता है। और यहाँ पे जो है पहले प्रधान जी जो थे उन्होंने पटाई का काम किया कराया था, हर साल वो पटाई कराते थे। अब जब से वो चुनाव हार गए तब से ना पटाई हो रही ना कुछ, ऐसे ही पुलिया पड़ी है। अच्छा, बाला प्रसाद। अच्छा, कुछ कोरोना काल में कुछ मदद वदद मिली है? नहीं मिली। कुछ नहीं मिला है? नहीं। अच्छा, कहाँ यही घर है आपका? यही घर है। अच्छा, यही झुग्गी झोपड़ी में रहती हो? यही झोपड़ी में रहती। तो यहाँ पे क्यों नहीं रहती हो, यहाँ क्यों रहती हो? आवास आवास नहीं मिला है? नहीं मिली है, कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है आवास आवास। अच्छा, कुछ नहीं मिला। अच्छा, यहाँ रोड पे रह रही है झुग्गी झोपड़ियों में, आवास आवास कुछ दिलाए हैं कि नहीं? सरकार की बहुत योजनाएं हैं। अब नए काम है कुछ हो जाएगा। विधायक जी कभी हालचाल लेने आते हैं यहाँ? कभी ना आए, कभी ना। अच्छा, एक यूनिट पे 1 किलो गल्ला भी कम मिलता है? अच्छा अच्छा, और कोई सरकार से सहायता मिली है? कोई सहायता नहीं, कोई सहायता नहीं। विधायक जी मिलने आते हैं? नहीं। चुनाव के समय तो आए होंगे मिलने के लिए? अब आए होंगे। खूब दावे किए होंगे? कोई नहीं, अब कुछ नहीं है। देखिए ग्रामीण यहाँ के जो है वो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं विधायक जी के ऊपर कि चुनाव के समय तो बड़े बड़े दावे करके गए थे लेकिन उन दावों पर अब खरे नहीं उतर रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? विधायक कौन है आपके? अच्छा, कुछ विकास विकास किए हैं? विकास तो जो है कुछ नहीं आता है। गांव में कोई विकास विकास नहीं हुआ है? गांव में थोड़ा बहुत किया है, बाकी जो है कुछ नहीं। कोरोना काल में कुछ मदद तो पहुंचाई है आप लोगों तक? बस गल्ला मिला है, बाकी बाकी कोई सुविधा नहीं मिली है। गांव में सैनिटाइजर वगैरह हुआ है? सैनिटाइजेशन नहीं हुआ है। अच्छा, क्या नाम है आपका? बाबूद्दीन। विधायक कौन है आपके? बाला प्रसाद। अच्छा, कुछ विकास विकास किए गाँव में? विकास तो कुछ नहीं हुआ, गल्ला करे मिलता है पानी। चलिए, तो देखिए ग्रामीणों का साफ तौर पर आरोप है कि विधायक ने
बीते साढ़े चार सालों में अभी तक किसी तरह की कोई जो सुविधाएं हैं वो नहीं उपलब्ध करा पाए हैं। सरकार की तमाम योजनाएं जो चल रही हैं वो ग्रामीणों तक नहीं पहुंच रही हैं। अपने सहयोगी ओपी यादव के साथ धीरज वर्मा, न्यूज वन इंडिया, लखीमपुर खीरी। तो विधायक के विकास की तस्वीर और जनता के विधायक के बारे में राय जानने के बाद न्यूज वन इंडिया के रियलिटी चेक में बीजेपी विधायक बाला प्रसाद अवस्थी जिस तरीके से देखा जा रहा है फेल हुए हैं। तो न्यूज वन इंडिया पर नेताजी का रियलिटी चेक किया गया जिसमें वो फेल हुए हैं।